दुपट्टा के लिए मैं यहाँ पर एकदम प्लेन एक कपड़ा यूज़ कर रही हूँ जो कि 2 मीटर के है। तो सबसे पहले दोनों साइड पे मैंने बाद में स्टिचिंग कर लूँगी, पीको कर लूँगी, बट अभी नहीं किया है। पेंटिंग होने के बाद भी वो कर सकती हूँ। तो सबसे पहले इसके नीचे आप इस तरीके की कोई कार्डबोर्ड रख सकते हैं ताकि कलर बैक साइड पे ना स्प्रेड हो जाए। और बहुत ज़्यादा पतला कपड़ों का यूज़ करते हैं ना, तो फ्रेम का यूज़ ज़रूर करें। तो सबसे पहले यहाँ पेंसिल से एकदम मार्क कर लीजिए, एकदम लाइट करके करें। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ी डार्क करके मार्क कर रही हूँ, नहीं तो इसके ना बाद में एक बहुत बुरी तरीके से ये पेंसिल की हर्श लाइन रह जाती है, जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। एकदम लाइट करके ही करें। और ये मार्क के ऊपर हम पेंट नहीं करने वाले, तो इसका और भी ध्यान रखें, तो ये लाइन्स तो रहने वाले हैं। तो बहुत आसानी से फ्लैट ब्रश से ये इक्कत की जो पेंटिंग है ना वो कर सकते हैं। मेरी ये ब्रश ये एकदम ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है, उस ब्रश से ही मैं कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी स्प्रेड होने के लिए ये बहुत अच्छा है मेरे लिए। ऑलरेडी ये स्प्रेड हुआ हुआ है, ये ब्रश की जो हेयर है। आप अच्छे क्वालिटी ब्रश का ही यूज़ करें, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी आप कोई जो एकदम बेकार सी हो गई उसका यूज़ करें, ऐसा नहीं है। ये अच्छा है बट इसकी आगे की जो हेयर है ना थोड़ी स्प्रेड टाइप की हो गई है, और इक्कत में थोड़ी स्प्रेड हो जाती है तो थोड़ी ज़्यादा अच्छा होता है मेरे ख्याल से। तो मैं यहाँ पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ, पिंक नहीं सॉरी ये रेड कलर। आप अपने मनपसंद के कोई भी कलर यूज़ करें ड्रेस के अकॉर्डिंग। एक्चुअली ये लाइट कलर की है तो इसके ऊपर डार्क कलर ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सेम ब्रश से ही मैं कर रही हूँ, तो ये देखिए इस तरीके से आपको वाइट कलर लेना है और इस तरीके से आपको स्प्रेड करना है। बस छोड़ दीजिए, प्रेस करके देखिए इस तरीके से छोड़ दीजिए, फिर आपकी ये डिज़ाइन बन जाएगी। बहुत आसान है। अगर आपको लग रहा है तो आप थोड़ी सी टफ़ ये ऐसा कुछ लग रहा है तो आप पहले ड्राइंग शीट के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद आप ड्रेस के ऊपर कर सकते हैं, ये दुपट्टा के ऊपर कर सकते हैं, या फिर पुरानी कोई फैब्रिक के ऊपर भी आप पहले ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि कपड़ों के ऊपर ट्राई करना और ड्राइंग शीट के ऊपर ट्राई करना वो थोड़ी अलग होती है। ड्राइंग शीट के ऊपर बहुत आसान होती है, बहुत स्मूथ होती है पेंटिंग, कपड़ों के ऊपर उतना स्मूथ नहीं होती है, उतनी फिनिशिंग भी नहीं होती है जैसे कि ड्राइंग शीट के ऊपर होती है, कैनवास के ऊपर होती है। तो इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और वो भी कितना आसानी से आप बना सकते हैं। अब ये बॉर्डर को ना आप कोई भी ड्रेस के बॉर्डर पे भी कर सकते हैं, सूट के बॉर्डर पे कर सकते हैं। तो अब ये जो साइड पे जो है ना यहाँ पर थोड़ी और अलग डिज़ाइन होगी। तो यहाँ पर मैं सेम वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करने वाली हूँ, बस 2-3 कलर से ही ये कंप्लीट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं मैंने सेम ब्रश भी यूज़ कर रही हूँ। आप इस डिज़ाइन को शिफॉन के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, शिफॉन के दुपट्टा के ऊपर या ऑर्गेन्जा के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, बट ज़रूर आप फ्रेम का यूज़ करें क्योंकि वो कपड़ा बहुत पतली टाइप की होती है ना, तो बैक साइड पे इतना ज़्यादा स्प्रेड होगी कि आपकी दुपट्टा के ऊपर भी कुछ कलर नहीं बचेगा, इसलिए फ्रेम का यूज़ ज़रूर करें। आप कोई भी पतला टाइप का कपड़ा यूज़ करते हैं ना जॉर्जेट के ऊपर भी, तो आप फ्रेम का ज़रूर यूज़ करें। तो सेम तरीके से मैं यहाँ सेरुलियन ब्लू कलर से इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसके ऊपर सेरुलियन ब्लू कितना अच्छा लग रहा है, एक रेड वाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत है। आप भी कलर का ध्यान बहुत अच्छे से करें, डार्क के ऊपर हमेशा लाइट कलर से पेंट करें और लाइट कलर के ऊपर हमेशा कोई डार्क कलर से ही पेंट करें, तब जाके बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इसके अंदर जो है ना ये हम ये सेम कलर यूज़ करेंगे और इसके अंदर एक फ्लावर बना देंगे इस तरीके से। तो फिर हमारी रेड भी इसके अंदर आ गई, मेरे ब्रश में ऑलरेडी ब्लू कलर था तो देख सकते हैं आप। तो वो जो रेड कलर की हमने पहले बॉर्डर की थी ना जो लाइन है, उसको हम दोबारा यहाँ बनाएंगे इस तरीके से, हमने इस बॉर्डर को बढ़ाएंगे। आप चाहे तो पेंसिल से पहले आउटलाइन कर सकते हैं, जैसे मैं यह कलर डायरेक्ट कर रही हूँ, आपकी एकदम प्रोमिनेंट एकदम सब शेप इक्वल हो तो फिर आप पेंसिल से पहले आउटलाइन ज़रूर करें।
और अभी कलर थोड़ी सी पतली टाइप की हो गई है, स्पेशली वाइट कलर, तो अब डबल कोट कर सकते हैं, तब जाके आपकी फिनिशिंग एकदम एग्जैक्ट जो आप चाहते हैं ना, तो वही शेड आएगी, नहीं तो एक बार में नहीं आती है क्योंकि कलर पहले से बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। इस दिक्कत के लिए आपको फ्लैट ब्रश का ही यूज़ करना है, राउंड ब्रश में इतने अच्छे से नहीं होगी, तो एक दो बार प्रैक्टिस के बाद ही आपको हो जाएगी, इतना भी टफ नहीं है, बहुत ही ऑनेस्टली बहुत ही आसान है। एक दो बार ट्राई करेंगे तब जाके आपको लगेगा हाँ सच में ये तो बहुत ही आसान है, तो इसको ज़रूर ट्राई करना कोई भी दुपट्टा या ड्रेस के ऊपर। तो अब हमें ये जो ब्लू बॉर्डर है ना, इसको फिर से कर रही हूँ, इसको ज़रूर ट्राई करना, और आपको इस वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, आपकी एक लाइक से काम करने की इंस्पिरेशन मिलती है। तो यह देखिए मैंने एक साइड पे तो कर ली थी, तो ये दूसरा साइड है दुपट्टा की, तो मैंने वहाँ पर भी कर लिया है, तो सिर्फ वाइट कलर ये बाकी था, तो ये दोनों साइड पे हो गई है और मेरी बॉर्डर भी कर लिया है। तो साइड पे ये जो हमने सेरुलियन ब्लू कलर यूज़ की थी ना, तो साइड पे ये सेरुलियन ब्लू कलर से मैं यहाँ बॉर्डर कर रही हूँ, और उसके साइड पे तो बाद में मैं पीको बनाऊँगी। अब रेडी दुपट्टा के ऊपर पेंट करते हैं ना, तो साइड पे स्पेस छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ऑल ओवर दुपट्टा के अंदर तो बहुत ज़्यादा खाली खाली था, तो इस तरीके की फ्लावर बना सकते हैं, क्योंकि हमने साइड पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया है तो अंदर में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इस तरीके से फ्लावर बना सकते हैं। बांग्ली होले अवश्य बांग्लाय कमेंट करो। ये देखिए ये है आफ्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर, सी यू सून, बाय।